ईश्वर आत्मा और कुछ अनसुलझ रस। आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है और ना ही उसे जलाकर नष्ट किया जा सकता है। ये वो सारी बातें हैं जो हम गीता स्मरण के कारण जानते और मानते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम लिखी बातों पर जल्द ही यकीन कर लेते हैं और फिर हमारे वंशज उसी को मानते चले जाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, विश्वास करना हमारे रगों में है। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बस हमने उस पर बिना कोई सवाल किए विश्वास कर लिया। हम रामायण से लेकर महाभारत तक तो सिर्फ मानकर ही विश्वास करते ही तो आ रहे हैं। हम शिव से लेकर रावण तक सिर्फ विश्वास के बल पर ही तो टिके हुए हैं। हमें हमारे माता पिता ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु शिव राम हनुमान गणेश विश्वकर्मा काली दुर्गा आदि हमारे भाग्य विधाता हैं और हमने हिंदुस्तानी का धर्म निभाते हुए मान लिया कि वे ईश्वर हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। जब कोई विपत्ति के बेला आई, हमने उनका ध्यान करना आरंभ कर दिया। बिना कोई सवाल किए हमने उनको ईश्वर मानना आरंभ कर दिया और फिर यही परंपरा बन स्थापित हो गई। यही दोहराव फिर हम भी अपने संतानों के साथ करेंगे जो हमारे साथ किया गया। हमारे हिंदू समाज में दशरथ पुत्र राम को न सिर्फ ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ अपितु तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का सम्मान भी दिया जाता है। बचपन से लेकर आज तक मेरे अंत मन में राम कीश्वर और मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर कई सवाल उभरते रहे हैं, किंतु आज तक किसी ने मेरे उन सवालों का मुझे संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दिया। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना राजा राम ने नहीं बल्कि उनके छोटे भाई भरत ने की थी और यह वो समय था जब राम वनवास में थे और उनके भाई भरत अयोध्या की बागडोर संभाल रहे थे। बाली का वध राम ने छुपकर किया था, वो भी सुग्रीव के निकटता के कारण, जबकि सुग्रीव और बाली की निजी शत्रुता थी। छुपकर किया गया बाली का वध राम के ईश्वर चरित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को कलंकित करता है। लंका में अग्नि द्वारा अपनी पत्नी सीता के चरित्र का सत्यापन करने के बावजूद बिना बताए अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर उसे अपने भाई लक्ष्मण द्वारा जंगल में अकेला छोड़ने उनके ईश्वर चरित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र को कलंकित करता है। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो राम के ईश्वर और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के ऊपर प्रश्न अंकित करता है। यही कारण है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें ईश्वर नहीं मानता। ऐसे ही कई सवाल कृष्ण को ईश्वर मान